दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे मिनोक्सिडिल के बारे में। हालांकि इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन डिटेल वीडियो मैंने कभी भी नहीं बनाई है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते थे कि भैया वो पूछ रहे थे कि भैया आप बताइए मिनोक्सिडिल के बारे में फुल डिटेल, और ताकि हमें पता लग जाए कि मिनोक्सिडिल कितने तरीके की होती है, इसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है, कहीं हम गलत तरीके से इसको यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब करें ना जाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल, आई एम बैक अगेन विद दिस न्यू फ्रेश वीडियो। मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं हाई लोगों का चैनल। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ मिनोक्सिडिल के बारे में, कि मिनोक्सिडिल कितने तरीके की होती है, मिनोक्सिडिल को यूज़ करने के तरीके क्या हैं और उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मिनोक्सिडिल होता क्या है। मिनोक्सिडिल एक टॉपिकल सॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से आपका जो हेयर फॉल है वो रुक जाता है। हाँ, ऐसा एक सॉल्यूशन है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल रुक जाता है। इसको अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको बहुत ही गंदे तरीके से यूज़ करते हैं। मतलब उनको अच्छा तरीका नहीं आता उसको यूज़ करने का, उनको नहीं पता होता कि उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इसमें एक सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके का होता है, और ये भी दिखाऊंगा खोल के कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी करूंगा। मैं उसको खोलने के बाद आपको दिखाऊंगा इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है और उस चीज़ को यूज़ करने के बाद आप किस तरीके से इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिनोक्सिडिल के नाम पर आजकल मार्केट में बहुत सारे मिनोक्सिडिल जो घूम रहे हैं, काफ़ी सारे जो मिनोक्सिडिल हैं वो अल्कोहल के साथ आते हैं, काफ़ी हैं जो अल्कोहल के बिना आते हैं, काफ़ी हैं जो सॉल्यूशन मिक्स हो के आते हैं, यानी कि उनमें फिनेस्ट्राइड की मात्रा भी होती है, उसमें मिनोक्सिडिल का मिक्सचर जो है उसको कंबाइन करके बनाया जाता है, जो कि आपके बालों को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब मार्केट में बहुत ही तरीके के मिनोक्सिडिल आते हैं, अलग अलग कंपनियां इनको बनाती हैं, अलग अलग नाम से वो बेचती हैं। कॉफ़ी जैसे मैंने आपको बताया अल्कोहल के साथ आती हैं, कोई बिना अल्कोहल के आती है, कुछ बिना स्ट्राइड के साथ आती हैं, कोई बिना उसके आती हैं, और कुछ परसेंटेज में भी जाते हैं, कोई 10% में मिलती है, 5% में मिलती है, 7% में मिलती है। तो आपके लिए कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। तो जान लेते हैं कि इसको खोलने के बाद हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है और उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सील पैक है, मैं आपके सामने ही इसको ओपन कर देता हूँ। इसकी सील मैंने खोल दी है। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है ये डॉक्टर रेड्डी का है, और काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके बारे में सुना है, और मैं इसको शायद दूसरी या तीसरी बार यूज़ कर रहा हूँ। और इसको खोलने के बाद हमें मिलता है एक ट्रे सी है अंदर, और ट्रे को खींचेंगे तो नहीं, वो ट्रे नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ पैम्पलेट्स वगैरह मिल जाती हैं, इसका कोई यूज़ नहीं। इसमें वही है कि इसके कंपनी के बारे में बताया गया है कितना ज़्यादा असर करता है, कितना क्या है, उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। ये है वो मेन प्रोडक्ट जिसके अंदर प्रॉपर सॉल्यूशन है, इसको अभी साइड कर देते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमें एक मिला है ये पम्प। इस पम्प को दबाने के बाद जो है हमारा जो मिनोक्सिडिल है वो इसमें भरता है, और भरने के बाद ऊपर आने के बाद इसमें स्प्रे करता है हमारे स्कैल्प में। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें एक ट्यूब मिलती है, और इस ट्यूब में आप इसको दबाएंगे, मिनोक्सिडिल के अंदर डालेंगे, टिप करेंगे और उसको छोड़ देंगे तो इसमें भर जाएगी। भरने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बालों के अंदर। तो इसको भी हम साइड कर देते हैं। तो ये रहा डब्बा जो खाली है, इसको भी हम साइड कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दो तरीके हैं, जिन दोनों तरीकों को यूज़ करने के बाद हम इसको, और जब यूज़ करते हैं तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली इन दोनों को कंपनी जब देती है तो उनके मन में यही होता है कि जिनके भी छोटे बाल हैं, जिन लोगों के भी छोटे बाल हैं, तो वो स्प्रे पर जाएं, ताकि वो जब स्प्रे करें और उनके स्कैल्प में ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉनिक है वो पहुंच सके। और जिन लोगों के बाल लंबे होते हैं उनको ये यूज़ करना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब भी वो जब आप इसमें अपनी जो सॉल्यूशन है उसको भर लेंगे, भरने के बाद आप अपने जो सर है उसमें अप्लाई करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा लंबे बालों में। क्योंकि अगर आप बड़े बालों में इसको स्प्रे को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, स्प्रे फैल जाएगी और वो सिर्फ आपके जो ऊपर के बाल हैं उनमें ही लग पाएगी। लेकिन अगर आपके लंबे बाल हैं तो आप इसको यूज़ करिए, ये सीधा जड़ों में जाकर आप इसको पंप कर सकते हैं। पंप करने के बाद आपकी जो जड़ें हैं उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएगी आपका जो सॉल्यूशन है वो। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करेंगे
तो इसको यूज़ करने के बाद वो सिर्फ आपके ऊपर जो बाल है उस पर लग जाएगा और लेकर जो मेन जड़ है उसमें नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आप छोटे बालों में यूज़ करें और इसको आप जो बड़े बाल हैं उनमें यूज़ करें। ये हालांकि सारी की सारी कंपनियाँ आपको दे देती हैं और ये जो दोनों टेक्निक्स हैं ये मोस्टली जो कंपनियाँ हैं वो रिकमेंड करती हैं और इस हिसाब से इनकी पैकेजिंग जो है वो करी जाती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं कौन सी अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो है डॉक्टर रेड्डी की, इसको मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए मैं अभी ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, इसमें अभी फेनेस्ट्राइड मिक्स नहीं है। इससे पहले जो मैं यूज़ कर रहा था उसमें फेनेस्ट्राइड मिक्स था, वो है ये वाली मोर एफ। इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मोर एफ मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगी। अब काफ़ी सारे लोग मुझको पूछते हैं कि भैया आप कौन सी यूज़ करते हैं और आपको कौन सी ज़्यादा बेस्ट लगती है। तो मैं हाल फिलहाल में ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये मैं यूज़ कर रहा था, मोर एप की ये खाली हो चुकी है, अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसमें जो है मेरे को प्रोग्रेस है वो मेरे को काफ़ी सही लगी, लेकिन इसकी जो प्रोग्रेस है मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगी मोर एप की। 5% का सॉल्यूशन है, इसमें फेनेस्ट्राइड भी मिक्स है और इसको जब मैंने लगाया अप्लाई किया तो मेरे जो बाल हैं बहुत ही कम झड़ रहे थे। और काफ़ी सारे लोग भी पूछते हैं कि भैया बता दो कि कौन सी आपको ज़्यादा बेटर लगती है। तो मैं उनको यही हमेशा यही बोलता हूँ मोर एफ की मेरे को ज़्यादा बेटर लगती है। अभी मैं इसको भी यूज़ कर रहा हूँ और आप अगर लोग मेरी पहले भी वीडियो अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं इससे पहले भी बहुत सारी जो फेनेस्ट्राइड जो मिनोक्सिडिल वो यूज़ करता रहा हूँ और उसके बारे में भी अपना ओपिनियन देता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से अप्लाई करता हूँ। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि बड़े बालों के लिए ये यूज़ करनी चाहिए ताकि प्रॉपर आपकी जड़ों में जो एक सॉल्यूशन वो चला जाए। तो इसको आप ऐसे अंदर टिप करेंगे, टिप करने के बाद इसको दबाएंगे, दबाने के बाद इसको छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर सॉल्यूशन आ चुका है। इस सॉल्यूशन को हमारा जो स्कैल्प है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ये जड़ों में आया, जड़ों में आने के बाद अब इसको थोड़ी सी मसाज दे दीजिए। मसाज देने के बाद जहाँ पर चाहते हैं वहाँ पर इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये मसाज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा जब आप सॉल्यूशन एक जगह डालेंगे तो वो ग्रेविटी की वजह से ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आएगा, वो एक लंबी धार बना लेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप इसको थोड़ा सा रब करेंगे तो आसपास की जो स्कैल्प है उस पर भी आपका जो सॉल्यूशन है वो लग जाएगा, जो कि आपको ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपको ही ज़्यादा बेनिफिट देगा आगे जाके। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसको लगाने का एक तरीका और है, आप कंघी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये रही कंघी, आप इस कंघी को कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने एक तरफ सारे बाल कर लिए और सीधा आपको जड़ दिखेगी तो जड़ों में आप सीधा इंजेक्ट कर सकते हैं और इसको दोबारा साइड करें, साइड करेंगे आप अगली जड़ की तरफ जाएँ वहाँ पर आप इंजेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप अगली की तरफ जाएं वहाँ पे आप इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है जिसको यूज़ करने के बाद और आपने जो सॉल्यूशन है उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और आपको बेस्ट से बेस्ट जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएंगे। कंपनीज़ बहुत तरीके की आती हैं, कंपनी आती रहती है जाती रहती है, लेकिन हमें ये देखना है कि आपकी जो स्किन है उसको कौन सी मिनोक्सिडिल जो है वो सूट कर रही है, क्या वो फिनेस्ट्राइड वाली जो है वो सूट कर रही है या फिर कम अल्कोहल है वो वाली लेनी चाहिए। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज़ करिए, देखिए आपको लगता है कि आपको जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल नहीं हुआ है तो आपको दूसरी मिनोक्सिडिल यूज़ करनी चाहिए। एक ही कंपनी के ऊपर आपको रिलायबल नहीं रहना चाहिए। अगर आप चेंज करते रहते हैं कंपनियाँ तो आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है जो सॉल्यूशन बनाती है कंपनी। ठीक है, तो एक मोनोपोली भी नहीं बन पाती इस तरीके से कि भाई आप सोचते हैं कि भाई मैं यहीं से कराऊंगा या फिर मैं इसी ब्रांड का लूँगा तो मेरे पे ज़्यादा सूट करेगा। आप दो तीन ब्रांड बना के रखिए ताकि हो सके इन फ्यूचर कि भाई वो कंपनी कल को बंद हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ उसमें स्ट्राइक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन ऐसे रहें जिसको आप रख सकें और इन फ्यूचर भी आप यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये तो मैं रख देता हूँ, मैं कुछ टाइम के बाद मतलब 5-6 घंटे के बाद एक वीडियो और इसमें ऐड कर दूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि सूखने के बाद इसके क्या रिज़ल्ट आते हैं और वो भी मैं आपको वीडियो में आगे जाके बता दूंगा। और इसका जो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई स्कैल्प में खुजली होती है और इचिंग होती है, तो डेफिनेटली ये होता है, मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होता है और ये नेचुरल है। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं कुछ चीज़ बना के बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसी बेस में बोल रहा हूँ। आप इसको एक साइड इफ़ेक्ट भी मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन जब भी बनता है आपके स्कैल्प के लिए तो वो एक तरह से कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर दिखाता है। और रिएक्शन का सिर्फ यही है कि आपको इचिंग हो सकती है, आपको स्कैल्प
हेल्थ में अगर आपको कोई एलर्जी है तो हो सकता है थोड़े बहुत रैशेज भी हो जाएं, क्योंकि जब आप खुजली करेंगे तो रैशेज होंगे, वहाँ पे रेड मार्क्स भी हो सकते हैं और आपको डेंड्रफ का सामना भी करना पड़ता है, तो ये चीज़ें नेचुरल हैं। तो ये भी अपने माइंड में लेके चलिए कि हाँ आपको आगे चके ये चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इससे थोड़ा अपने माइंड को सेट करके रखिए कि हाँ मेरे साथ हो सकता है। तो चलिए मैं आपको की वीडियो दिखाता हूँ, आप अगले वीडियो में देखिए कि किस तरीके से सूखने के बाद ये लगता है। तो अब जैसे कि मिनोक्सिड लगाने के 6 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, 6 घंटे के बाद वो किस तरीके से रिएक्ट करता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो बाल हैं वो टोटली ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और साथ ही साथ ऐसा भी लगता है कि थोड़ा थोड़ा इसमें क्या कहते हैं डैंड्रफ भी आने लग गया है। तो डैंड्रफ भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ की, अगर स्कैल्प को हल्का सा रगड़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ झड़ता है। और साथ ही साथ इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं ये एक साइड इफेक्ट भी है अगर आप मिनोक्सिडिल यूज़ करते हैं लंबे टाइम तक, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि यार हमें काफ़ी टाइम तक मिनोक्सिडिल यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें ये कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती है, जिसमें से एक प्रॉब्लम ये भी है जिसका नाम है डैंड्रफ। ठीक है, तो इसको किस तरीके से ठीक किया जाए तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। और बस यही था मेरा मेन जो मोटो था बताने का कि किस तरीके से मिनोक्सिडिल लगाने के बाद और किस तरीके से मिनोक्सिडिल जब आप यूज़ करते हैं और किस तरीके से क्वालिटी आप मेंटेन कर सकते हैं और किस तरीके की जो मिनोक्सिडिल है वो मार्केट में आ रही हैं, मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ और मैं कितने तरीके की यूज़ कर चुका हूँ और कितनी आप लोगों को बता चुका हूँ, वो सारी ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस जो चैनल है उसमें मिल जाएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरीके कॉन्टेंट को अगर आप पसंद करते हैं तो मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना ना भूलें। सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट करिए और हाँ कमेंट ज़रूर करिए, और मैं ज़रूर आपका वेट कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, और मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि आपके जो कमेंट हैं उनको अच्छे तरीके से अपने जो सवाल हैं उससे भर सकूँ। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।